थाना सदर पुलिस व सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 लग्जरी कार, अवैध असलाह व नशीले पाउडर भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों में संदीप सम्राट पर मथुरा जनपद में 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसे पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SP सिटी राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए तीनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन्हें चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है, और अभियुक्तों के कब्जे से 2 महंगी गाड़ियां, अवैध असलाह, 1 चाकू व नशीले पाउडर बरामद किए गए हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ये कर रहे थे, जिसके तहत SSP महोदय द्वारा एक अभियान चल रहा है जनपद में, उसी कड़ी में भी कार्रवाई हुई है। हम लोग बदमाशों के पीछे पड़े हुए हैं, कि किसी भी तरह से इनको अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सर, आपराधिक इतिहास इनका क्या है? एक बदमाश पुलिसकर्मी का पेशा बताया जा रहा है। हाँ, एक रोहित नागर रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा है, वो भी इसमें पकड़ा गया है। इनके बारे में अभी हम लोग पता कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं गाड़ी कहाँ की है, कैसे है। संदीप सम्राट तो बहुत अच्छा बदमाश है, इस पर तो डकैती के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, और शस्त्र अधिनियम के ढेर सारे मुकदमे हैं, मारपीट, बलवा, अपहरण का मुकदमा इसके ऊपर है, शातिर अपराधी है।